गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पार्ट 3 देशभक्ति, धर्म और विश्वधर्म, ये क्लास 8 का है। इसमें हमने आधे लेसन पहले पढ़ लिया था, इसमें बताया गया था कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो स्वतंत्रता प्रिय है, वो आज़ादी को पसंद करता है, वो किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करता है। और हमारे देश को भी आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है। जो मनुष्य है उनका स्वभाव दूसरे मनुष्यों को अपने अधीन रखना भी होता है। सभी लोग यही सोचते हैं कि हर व्यक्ति मेरी बात सुने और मेरे कहे अनुसार ही काम करे। इसी के कारण कई संघर्ष हुए, लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, संघर्ष होता है। और देश के भीतर भी कई प्रकार के समाज हैं, जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, उनके बीच भी दुर्भाव बढ़ता है, छोटे बड़े युद्ध होते रहते हैं, आपस में भी और देशों के बीच में भी छोटे बड़े युद्ध होते रहते हैं। संसार में के इतिहास में पराधीन देश जो दूसरों पर अधीन रहते हैं उसे पराधीन देश कहा जाता है। तो संसार में जो पराधीन देश है वो जो विजेता देश है जो उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो उनके व्यवहार अधीन होते हैं तो उनका व्यवहार बुरा होता है उनके साथ, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। विजित देशवासियों की सभ्यता और साहित्य की जड़ पर उठाघात किया जाता है। जो पराधीन देश होते हैं उनको उनके अनुसार जो विजेता देश है वो अपने अनुसार काम करने के लिए कहते हैं और उनकी मेहनत की कमाई को वो छलबल से हड़प लेते हैं, उनसे लूट लेते हैं और ये क्रम आज भी जारी है। मगर भारत में जब भी ऐसा हुआ तो उन्होंने किसी से छलबल से उनका धन नहीं लुटाया। कालिदास ने रघुवंश में राजा रघु के द्वारा विश्व विजय का वर्णन है, में कहा गया है कि रघुवंश राजा ने विश्व विजय प्राप्त की थी और मध्य एशिया में कतिपय पारस, ईरान और कई देशों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी और पराजित देशों को केवल अपने अधीन किया है। उसमें वहां पर उन्होंने अपना सिर्फ झंडा फहराया था, उसको अपने अधीन किया था, वहां का खजाना न लूटा था और ना ही वहां की व्यवस्था को उन्होंने संभाला था और ना ही उनसे कर वसूलते थे, कोई टैक्स लेते थे। इसमें यही चलता था। ऐसे ही लंका पर जब राजा राम ने चढ़ाई की थी, जब वहां पर युद्ध हुआ था रावण से राम जी का, तो उसमें भी उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को वहां से छुड़ाने के लिए, उनके उद्धार के लिए वहां पर युद्ध किया था लंका पर और राक्षस कुल का संहार किया था और वहां पर उनके उसी के भाई रावण के भाई को ही वहां का राजा बना दिया था। उसका नाम था विभीषण, उसे वहां का राजभार संभाल लिया था। वो अयोध्या के अधीन होकर चलते थे पर वहां का सारा कार्यभार विभीषण जी ही देखते थे जो कि रावण के भाई थे। यवनों से भारतीय नरेशों ने युद्ध किया और राजस्थान के कई वीर राजपूतों ने भी रोमांचकारी त्याग किया था। ऐसे ही कई लोग हमारे देश में रहे हैं और 1857 में सारे देश में विद्रोह अग्निदत्त की, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि कई देश प्रेमी वीरों ने अपनी आहुति चढ़ा दी और हमारे देश को स्वतंत्र करवाया और कई लोग फांसी पर भी झूल गए और झूल जाने में अपने जीवन की सार्थकता को समझते थे, अपनी मृत्यु देश पर और मिटने के लिए वो अपना जीवन को सार्थक समझते थे। साथ ही साथ गांधी जी के पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती बहुतेरे देशभक्त नेता हुए, गांधी जी से पहले भी और उनके बाद भी कई नेता हुए देशभक्त जिनके त्याग और तपस्या की गाथा भारत के इतिहास में सदा अंकित रहेगी। पुराने नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, विजय राघव आचार्य, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि थे। गांधी जी के पार्श्ववर्ती नेताओं में सर्वश्री पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, यतेंद्र मोहन सेन, विधान चंद्र राय, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, हकीम अजमल खां, मौलाना मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कूटनीतिक अंग्रेजों से अपनी जन्मभूमि को मुक्ति दिलाने में इन नेताओं ने जो त्याग किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा, वह हम हमेशा याद रखेंगे। इनकी क्रय प्रथम कोटि की देशभक्ति और देशधर्म में सदा पर बनी होती रहेगी।
महात्मा गांधी और इतर नेताओं की विचारधारा में यह महान अंतर था कि गांधी जी ने लोकहितैषिणी दृष्टि व्यापक थी। वह भारतीय क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, भारत में सिर्फ भारत के लोगों के साथ ही सीमित नहीं थे। भारतीय स्वतंत्रता उनके विचारानुसार विश्व कल्याण के लिए साधन मात्र थी। जो विश्व है उसका कल्याण भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी था। उनके चिंतन क्रम से ये संसार में स्थायी सुख शांति की स्थापना तब तक संभव नहीं है जब तक संसार में समस्त देशों के लोग स्वतंत्र नहीं हो जाते। गांधी जी भारत को स्वतंत्र कराने के पश्चात अन्य पराधीन देशों की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले थे, परंतु मनुष्य आयु सीमित है, मनुष्य की जो आयु है वह सीमित होती है, अतः उनके जीवन का उद्देश्य उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो सका। उनका जो उद्देश्य था उनके जीवन काल में वह पूरा नहीं हो सका। सच यह है कि महापुरुष गण जो महापुरुष होते हैं वह कोई नवीन विचारधारा का प्रचार इस आशा से करते हैं, नवीन विचारधारा की है उसका प्रचार इस आशा से करते हैं कि पीछे उनके अनुयायी गण उनके प्रचार का क्रम अक्षुण रखेंगे, उनके बाद भी जो उनके अनुयायी है उनके साथ हैं वो उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी का प्रयास विश्व धर्म का अंग था। हमें ज्ञात नहीं है कि वर्तमान काल में संसार में किसी देश में गांधी जी के समकक्ष क्रियाशील कोई अन्य महापुरुष विश्व धर्मावली है। गांधी जी के देहावसान के बाद भी विश्व शांति के लिए जितनी चर्चा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की उनकी शायद दूसरे देश के किसी प्रभावशाली नेता ने की हो, ऐसा किसी भी नेता ने नहीं किया है। वर्तमान युग में जो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच विशेष प्रकार से कूटनीतिक चालों का युग माना जाता है, विश्व धर्म की ओर यात्रा भरी दृष्टि से निहार रहा है। ऐसे में महती आवश्यकता है बापू गांधी सरीके किसी महात्मा की जो विश्व को नैतिक मूल्यों में बांधकर धर्म का वास्तविक अर्थ बता सके। वास्तविक रूप में विश्व तो वसुदेव कुटुंबकम में ही निहित है, यह जानकर भी सब जैसे अनजान से बने रहते हैं। अब लेखक कह रहा है कि अभी भी गांधी जैसे कई लोगों की आवश्यकता है क्योंकि अब सभी परमाणु शक्ति से संपन्न देश हो चुके हैं, उसमें जब कूटनीति चालों में उनका युग माना जाता है, तो इसकी वजह से जब विश्व में शांति बनाए रखनी है तो यही अहिंसा का धर्म अपनाने के लिए सोच रखनी होगी, क्योंकि जो विश्व है वो वसुदेव कुटुंबकम ने जो पृथ्वी है हमारे कुटुंब के समान है, हमारे परिवार के समान है, ये सोच करके ही आगे बढ़ना है। मगर ये सब जानकर भी सभी अनजान बने हुए हैं और सभी एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, आत्ममंजना अपने को स्वयं ठगना, संगठित समान विचारधारा में संगठित विभिन्न दो भिन्न प्रकार के आदिकाल प्रारंभिक काल विजित जीते हुए जिन पर विजय प्राप्त की गई हो, गाड़ी कमाई परिश्रम से अर्जित परराष्ट्र अन्य देशों के साथ अक्षुण्य बिना हानि पहुंचाए प्रवर्त लगे हुए गाढ़े समय में संकट काल पदार्पण पग रखना प्रवेश लोकहितैषी सबका भला करने वाले व्यापक विस्तृत विश्व धर्म को मानने वाले वसुदेव कुटुंबकम के अनुयायी महती महत्वपूर्ण। भारत का जो भविष्य है पश्चिम के उस रक्त रंजित मार्ग पर नहीं है जिस पर चलते पश्चिम अब स्वयं थक गया है। उसका भविष्य को सरल धार्मिक जीवन प्राप्त शांति के अहिंसक रास्ते पर चलने नहीं है। भारत के सामने इस समय अपनी आत्मा को खोने का खतरा उपस्थित है और यह संभव नहीं है कि अपनी आत्मा को खोकर वह जीवित रह सके, इसलिए आलसी की तरह उसे लाचारी प्रकट करते हुए ऐसा नहीं करना कहना चाहिए कि पश्चिम की इस बाढ़ में नहीं बच सकता। पश्चिम की जो बाढ़ है उसमें नहीं बच सकता, अपनी और दुनिया की भलाई के लिए उस बाढ़ को रोकने योग्य शक्तिशाली तो उसे बनना ही होगा।
ये कौन कह रहा है? महात्मा गांधी। ये लेसन आप लोगों का यही कंप्लीट होता है। इसका आपका होमवर्क है कि जो शब्दार्थ है उसको लर्न कर लेना और कॉपी में लिख करके पीडीएफ में सेंड करना। थैंक यू।